आज मैं पहली बार ब्लॉग्स की शुरुआत कर रहा हूँ। मुझे आयुब ने कॉल किया और बोला कि चल रिंग रोड की तरफ से घूम के आते हैं। मैंने कहा ठीक है, मेरा ब्लॉग्स भी बन जाएगा और उसका भी, वो भी एक यूट्यूबर है तो हम दोनों को सपोर्ट कीजिए। फिर हम लोग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने गए और पेट्रोल डाल के मैंने अपना घर आया और वो थोड़ी देर बाद अपना बाइक लेके आया। हमारा जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो गया रिंग रोड की तरफ। जाते वक्त हम सुवर्णमयूर टेम्पल के रास्ते से होके रिंग रोड पर पहुँच गए। मैं किसी दिन आप सबको हमारे सोनपुर के दो फेमस मंदिर रामेश्वर और सुवर्णमयूर के बारे में अलग से एक ब्लॉग्स में बताऊंगा, ताकि मैं दोनों मंदिर के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकूंगा। आप लोगों को मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आप सोनपुर में रहते हैं या सोनपुर में कभी आए हैं तो एक बार रिंग रोड और हमारा सोनपुर ब्रिज महानदी ब्रिज की तरफ शाम के टाइम एक बार जरूर घूमने जाएं, ताकि आपको एक वंडरफुल इवनिंग को जीने की एक्सपीरियंस मिले। फिर मैं एक भयानक राइड के लिए तैयार हो गया। पहले हम एक जगह पे रुक गए और बाइक स्टार्ट किया। 1 2 3 गो। और जैसे बाइक स्टार्ट हुआ मैंने दिल से कहा मुस्कुराओ बे, अबे जो होगा देखा जाएगा, टेंशन क्यों लेते हो। शुरू हो गया हमारा स्पीड की सफर। बस हम 300 या 400 मीटर डिस्टेंस तक सफर करने वाले थे और उसने बाइक को 103 के स्पीड पहुंचा दिया। ओह माय गॉड, वाओ, मैं इतना स्पीड किसी के साथ नहीं बैठा हूं। राइड के बाद मैंने बोला ऑल इज वेल और उसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, लेकिन उसको झेलने की हिम्मत आ जाती है। आज के ब्लॉग्स बस इतना ही था। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये मेरी फर्स्ट ब्लॉग है। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग्स को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें तो मैं आपके लिए मज़ेदार थ्रिलिंग्स और ऐसे ही टूर वीडियोस के ब्लॉग्स लाता रहूँगा। सो कीप वॉचिंग माई ब्लॉग्स और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब पहले पहुँचे। सो कीप वॉचिंग, मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स में। बाय बाय।